Hello everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class, today we will start with the next important financial decision, that is investment decision. क्लास इन्वेस्टमेंट डिसीजन काफी इजी टॉपिक है, आपको जस्ट ध्यान से फोकस करना है. टॉपिक भी छोटा भी है और इजी भी है. तो क्लास इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं. क्लास क्या होता है, जो फर्म्स की रिसोर्सेज होती हैं, जो फंड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. उसको फर्म वेस्ट नहीं कर सकता कि ये भी खरीद लिया वो भी खरीद लिया, ऐसा नहीं होता. जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जो फंड्स हैं वो लिमिटेड हैं, एंड जो फर्म है वो फंड्स को इस तरीके से इन्वेस्ट करता है, जो मतलब फर्म है वो फंड्स अपने फंड्स को इस तरीके से इन्वेस्ट करता है कि उनसे बेस्ट पॉसिबल रिटर्न आए. आर यू गेटिंग दिस थिंग, कि अपने पैसे को इस तरीके से एलोकेट करता है, इन्वेस्ट करता है कि उससे जो रिटर्न है वो सबसे अच्छा है, बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम रिटर्न आए. ये तो एक जनरल कॉमन सी बात है. अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स. कि फर्म अपने पैसे से डिफरेंट एसेट्स जब खरीदता है कि कौन से एसेट खरीदने हैं, कितने फिक्स्ड एसेट खरीदने हैं, कितने करंट एसेट्स खरीदने हैं, कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगेगा, कितना पैसा करंट एसेट्स में लगेगा, जब फर्म इस चीज को लेकर डिसीजन लेता है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन. द फर्म इन्वेस्टेड फंड्स इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स. फर्म जो है वो फिक्स्ड एसेट भी परचेज करता है, करंट एसेट भी परचेज करता है, वो दोनों तरीके एसेट परचेज करता है. बट उसका पैसा, कितना पैसा फिक्स्ड में लगेगा, कितना पैसा करंट में लगेगा, जब फर्म ये डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट. डिफरेंट एसेट्स मीन्स कितने फिक्स्ड एसेट्स, कितने करंट एसेट्स में जब आप कितना पैसा लगाओगे, जब आप इस बारे में डिसीजन लेते हो तो वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. आप क्लास इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है. क्लास इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड वी कैन से वर्किंग कैपिटल डिसीजन. क्लास कैपिटल बजटिंग डिसीजन को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं. इज दैट क्लियर क्लास. कैपिटल बजटिंग यानी लॉन्ग टर्म, यानी जब हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं. अभी मैं आपको ब्रीफिंग दे रही हूँ. कैपिटल बजटिंग डिसीजन मीन्स जब हम पैसा लगाते हैं टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स. एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन यानी जब हम पैसा लगाते हैं, जब हम फंड्स लगाते हैं टू परचेज द करंट एसेट्स. इज दैट क्लियर क्लास. अब क्लास हम दोनों डिसीजन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन को. यस क्लास, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में है जो यहाँ मैं डिस्कस कर रही हूँ. वो पॉइंट है क्लास कि व्हाई आर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ठीक है, मैं यहाँ पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की, व्हाई आर दे वेरी क्रूशियल फॉर द फर्म, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं. तो क्लास ध्यान से समझो, यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन के कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन के अलावा भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहले डेफिनेशन समझते हैं क्लास. कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है. अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन. इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग द फाइनेंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, जो कि मैंने अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया. ये लैंग्वेज एनसीईआरटी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि केस स्टडी में एनसीईआरटी लैंग्वेज यूज होती है. आपको ये पता होना चाहिए कि जब पैसे को हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए, जब वो ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब ये है जब हम मनी लगाते हैं टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि फिक्स्ड एसेट में जब आप पैसा लगाते हो तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ब्लॉक हो जाता है. आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास. तो इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग द फाइनेंस ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस. जब आप पैसे को एक लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए इन्वेस्ट करो, यानी कि आप पैसे को फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो है आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन. समझ गए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दो टाइप थे, फिक्स्ड एसेट खरीदना या करंट एसेट खरीदना. तो जो फिक्स्ड एसेट वाला डिसीजन है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन. एग्जाम्पल देख लो, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू मशीन, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट्स वाले डिसीजन है, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं.
अब क्लास वो टॉपिक जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, व्हाई आर कैपिटल बजटिंग डिसीजन वेरी क्रूशियल फॉर द फर्म, इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं ये, तो क्लास उसके तीन पॉइंट्स है, क्लियर पॉइंट्स है जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द फर्म. फर्स्ट पॉइंट, दीज आर इररिवर्सिबल डिसीजन, वंस टेकन कैन नॉट बी चेंज. मतलब ये ऐसे डिसीजन होते हैं क्लास, क्योंकि इसमें आप एक नई ब्रांच ओपन कर रहे हो, एक नई मशीन खरीद रहे हो आप करोड़ की, तो ये एक ऐसे डिसीजन है जो इररिवर्सिबल है. मतलब एक बार आपने ले लिया डिसीजन, आपने मशीन खरीद ली, आपने नई ब्रांच ओपन कर ली, तो बैक मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. वंस टेकन कैन नॉट बी चेंज, बट ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया तो रिवर्स नहीं कर सकते. बट पता है दिक्कत क्या होती है, इफ रिवर्स देन एट अ ह्यूज कॉस्ट, तो आपको नुकसान बहुत होगा. समझ रहे हो, जैसे क्लास एक सिंपल डेली लाइफ की बात लो, आपने एक न्यू ब्रांड न्यू कार खरीदी आज, ठीक है, ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन था. आपने एक फिक्स एसेट या पैसे को लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट किया एंड आपने वो कार खरीदी सपोज ₹20 lakhs की. खुद सोचो, आप दो तीन दिन बाद आपको लग रहा है यार नहीं, इस गाड़ी में मजा नहीं आ रहा चलाने में सपोज, या नहीं ये मेरे से हैंडल नहीं हो रही, कोई भी बात है आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको हैंडल नहीं हो रही कार. अब क्या होगा क्लास, दो तीन दिन बाद जब आप उस डिसीजन को रिवर्स करने की सोचोगे कि चलो मैं इसको बेच देता हूं, मैं दूसरी गाड़ी लूंगा, तो क्लास दो तीन दिन में वो गाड़ी हो गई सेकंड हैंड. अब वो 20 lakhs की कार के आपको 20 lakhs तो मिलेंगे नहीं, इवन 19 lakhs भी नहीं मिलेंगे, यू विल गेट 15 lakhs, यू विल गेट 14 lakhs, ऐसे ही होगा. तो आपने डिसीजन रिवर्स तो किया, यू ट्राइड टू रिवर्स द डिसीजन बट एट अ ह्यूज कॉस्ट, उसमें आपको लाखों का नुकसान हो गया. तो वही इस पॉइंट का मतलब है कि ये डिसीजन इररिवर्सिबल, एक बार ले लिया तो चेंज करने मुश्किल है. ऐसा नहीं है चेंज हो नहीं सकते, चेंज होते हैं बट एट अ ह्यूज कॉस्ट. तो हम ये मान के चलते हैं कि एक बार अगर इन्हें ले लिया तो वापस अगर आप इन डिसीजन को रिवर्स करते हो तो आपको बहुत लॉस होता है, ठीक है. सेकंड पॉइंट, इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स. क्लास ये डिसीजन है इंपॉर्टेंट, बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है. थर्ड, दीज डिसीजन अफेक्ट्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन. आप एक नई ब्रांच ओपन करो, आप एक नई मशीन खरीद रहे हो करोड़ की, प्लांट एंड मशीनरी आप सेटअप कर रहे हो करोड़ का. क्लास वो जो आपने प्लांट एंड मशीनरी आपकी सेटअप हुई है उससे आपकी लॉन्ग रन तक की अर्निंग कैपेसिटी अफेक्ट होगी, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट है, आप उसे बहुत साल यूज करने वाले हो, तो इट अफेक्ट्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन. इस वजह से ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्लास ये, इज दैट क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू वर्किंग कैपिटल डिसीजन. यस क्लास, नेक्स्ट डिसीजन इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जिन्हें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं क्लास. यानी कि ये वो डिसीजन है वेयर वी इन्वेस्ट फंड्स इन द करंट एसेट्स. दीज डिसीजन रिलेट्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स. करंट एसेट्स आप सबको पता ही है, लाइक कैश, डेटर्स एटसेट्रा. दीज डिसीजन अफेक्ट्स द डे टू डे वर्किंग. क्लास इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब भी आप पैसा करंट एसेट्स में लगा रहे हो, बात करंट एसेट्स की हो रही है, तो वो डिसीजन अफेक्ट करेगा आपकी डे टू डे वर्किंग. लिक्विडिटी, लिक्विडिटी समझते हो ना, हाउ मच कैश इज देयर इन योर हैंड, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. क्लास ये जो दो पॉइंट्स यहां मैंने लिखे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, बट ये आपके वन मार्क क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम इसी तरह टॉपिक्स को समझ रहे हैं कि अगर लेंथी क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन आए तो भी हम अटेम्प्ट कर सके, केस स्टडी आए तो भी हम अटेम्प्ट कर सके, वन मार्क क्वेश्चन आए तो भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सके. तो दीज डिसीजन अफेक्ट्स द डे टू डे वर्किंग, मार्केट, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. क्लास ये क्वेश्चन वन मार्क में आ सकता है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसे आप जनरली इग्नोर कर दो. तो इग्नोर नहीं करना, एक अच्छा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए तीन चीजें आपकी अच्छे से होनी चाहिए, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, एफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट, एफिशिएंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. ठीक है, कैश की मैनेजमेंट अच्छे से हो, स्टॉक की मैनेजमेंट अच्छे से हो, एंड जो रिसीवेबल्स है बिल्स रिसीवेबल उनकी मैनेजमेंट अच्छे से हो, तब आपका एक साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होती है. इज दैट क्लियर क्लास. नाउ लेट्स डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन. यस क्लास, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन. क्लास आपके कोर्स में देर आर ओनली 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द कैपिटल बजटिंग डिसीजन. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट.
ओके नाउ क्लास सी, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या स्टडी करना है. क्लास जब भी कंपनी ह्यूज फंड्स इन्वेस्ट करती है, तो कंपनी यही सोच के फंड्स इन्वेस्ट करती है कि उसे उस इन्वेस्टमेंट में से कुछ रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो होगा. आर यू गेटिंग दिस थिंग? आप किसी भी मशीन में पैसा लगा रहे हो, आप एक नई ब्रांच ओपन कर रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि उस इन्वेस्टमेंट से आपको एक रेगुलर अमाउंट ऑफ एटलीस्ट जो आपका एक कह सकते हो डिजायरेबल अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो तो होगा ही होगा. कैश फ्लो किस फॉर्म में होता है? कैश रिसिप्ट के फॉर्म में, कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको किस तरीके से कैश रिसिप्ट से कैश जनरेट करके दे. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लास. मैं फिर आपको कह रही हूँ कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको ये चीज देखनी है कि वो आपको कुछ, आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो कुछ रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो आपको दे ओवर अ पीरियड. तो ये जो कैश फ्लोज है क्लास, ये बहुत अच्छे से एनालाइज होने चाहिए बिफोर मेकिंग अ कैपिटल बजटिंग. आप एक्सपर्ट्स की हेल्प लो, आप ये कैलकुलेट करो कि ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपको कितना अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो जनरेट करेगा. इज दैट योर सिंपल सा पॉइंट है. जो प्रपोजल आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, जो प्रपोजल आपको ज्यादा अच्छा कैश इनफ्लो दे रहा है, आप उसको सेलेक्ट करो. नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न. क्लास सिमिलर से पॉइंट्स हैं वैसे तो ये, बट कैश इनफ्लो का पर्टिकुलर मतलब है कि वो प्रपोजल आपको कितना कैश जनरेट करके दे रहा है. रेट ऑफ रिटर्न ये चेक करता है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आपको कितना रिटर्न लाके देगा, चाहे कैश की फॉर्म में चाहे रिसीवेबल्स की फॉर्म में, पर वो कितना रिटर्न जनरेट करेगा. यहाँ पर्टिकुलरली बात हो रही थी कैश की, कि वो कितना कैश इनफ्लो जनरेट करेगा. यहाँ पे है वो आपको कितना रिटर्न आपको देगा. फॉर एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में सिंपल एक एग्जाम्पल है कि सपोज करो ए एंड बी आपके पास दो प्रपोजल है, ठीक है, एंड आपके पास ए से 10% रिटर्न आने की एक्सपेक्टेशन है. ओनली यू कैन एक्सपेक्ट, आपको पता तो नहीं कितना आएगा, तो एक एक्सपेक्टेशन है कि ए से आपको 10% रिटर्न आएगा और बी से आपको 12% रिटर्न आएगा. तो क्लास एक बहुत ऑब्वियस डिसीजन है जहाँ पे एक फाइनेंशियल मैनेजर लेगा कि ऑब्वियसली बी से ज्यादा रिटर्न आ रहा है तो आप बी को प्रेफर करो. तो फर्म विल डेफिनेटली प्रेफर प्रपोजल बी. तो रेट ऑफ रिटर्न सिंपल सी चीज है, ठीक है. अच्छा, क्लास थर्ड इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. ये आप ध्यान से सुनो थोड़ा. क्लास इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम कैश फ्लो, अपार्ट फ्रॉम रेट ऑफ रिटर्न, और भी चीजें हैं जो हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में पैसा इन्वेस्ट करते टाइम देखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने तीन मशीन्स के ऑप्शन है, एबीसी, थ्री मशीन्स के ऑप्शन आपके सामने, और तीनों में ह्यूज फंड्स लग रहे हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, तीनों का रिटर्न अच्छा है, तीनों से कैश फ्लो अच्छा जनरेट हो रहा है. ये इस मामले में तीनों इक्वल है, तो सिर्फ इनके बेस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, और भी चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी ए एंड बी जो आप इम्पोर्ट कर रहे हो, वो इतनी एडवांस, इतनी हाईटेक मशीन्स हैं कि उस मशीन को ऑपरेट करने की लेबर आपकी कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है. हाँ, लेकिन मशीन सी को ऑपरेट करने की लेबर आपकी कंट्री में अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है. ए और बी मशीन की टेक्नोलॉजी जो है वो लेबर नहीं अडाप्ट कर पाएगी, उन्हें ऑपरेट करना नहीं आता, लेकिन आपकी कंट्री में अवेलेबिलिटी है मशीन सी की, लिए आपकी कंट्री में लेबर की अवेलेबिलिटी है. तो ऐसे केस में मशीन सी को प्रेफर करोगे. आप क्या करोगे ए और बी के रेट ऑफ रिटर्न का, जब लेबर ही नहीं मिलेगी आपको जो उस मशीन को ऑपरेट कर सके. आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि अपार्ट फ्रॉम कैश फ्लो, अपार्ट फ्रॉम रेट ऑफ रिटर्न, और भी फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं. जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अगर ए और बी मशीन को ऑपरेट करने वाली लेबर ही अवेलेबल नहीं है तो आप मशीन लेके क्या करोगे. फॉर एग्जाम्पल, इनपुट, जो आपकी कंट्री में रॉ मटेरियल मिलता है, इनपुट मिलता है, अगर वो ए और बी मशीन में चलेगा ही नहीं, ए और बी मशीन को डिफरेंट टाइप का इनपुट चाहिए, तो क्या फायदा. जो आपके पास इजिली अवेलेबल, अगर मशीन सी का आपके पास इनपुट अवेलेबल है, आपके पास लेबर अवेलेबल है, तो आप उसको प्रेफर करोगे. तो यानी इस पॉइंट में वो सारे एक्स्ट्रा फैक्टर्स कवर हो गए जो इन दोनों के अलावा है, यानी कैश फ्लो के अलावा या रेट ऑफ रिटर्न के अलावा जो भी छोटे मोटे और फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो आते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में. इज दैट क्लियर? क्लास आज जो है हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो पूरा कवर किया.
आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर कि ये जो टॉपिक है ना छोटा है, लेकिन इसमें से वन मार्क क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और बहुत ट्रिकी बनते हैं, जो जनरली स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं कर पाते. इसलिए एक एक चीज को आपने ध्यान से सुनना है. एंड आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर यू मस्ट रीड एनसीईआरटी. यू मस्ट रीड एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में वो हर एक छोटी छोटी चीज लिखी है जो मैंने यहाँ डिस्कस करी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इज दैट क्लियर क्लास? अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है क्लास, सो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स.